नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जोहरी की स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो नोटिफिकेशन लेके आए हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जी हां दोस्तों, काफ़ी बढ़िया रिक्रूटमेंट है। इसमें आप सभी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके की वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया होने वाला है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आपको हर एक समझ में जाए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट की 30 जून का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। काफ़ी बढ़िया रिक्रूटमेंट है, गवर्नमेंट जॉब आपकी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इंजीनियर की पोस्ट पर इलेक्ट्रिकल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक वैकेंसी यहाँ पर एससी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 44,900 से 1,42,400 रुपये मिलने वाले हैं। जो आपका लेवल होने वाला है वो पे लेवल 7th होने वाला है। आपकी एज 35 से कम होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो आपका बीई बीटेक मतलब बीई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की हम बात करते हैं, तो कोलकाता और दिल्ली में आपकी होने वाली है। यदि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल के लिए, तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक है एससी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 रुपये आपको मिलने वाली है। पे लेवल आपका यहाँ पर 6th होगा, और आपकी 35 ईयर से कम एज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। हायर सेकेंडरी जिसमें 10+2 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, तो ये आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की यदि हम बात करते हैं, तो कोलकाता होने वाली है, दिल्ली होने वाली है, और गिरिधीह होने वाली है, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं इंजीनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकली हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 1 पोस्ट निकली है ओबीसी के लिए। अगेन पे स्केल आपकी होने वाली 35,000 से ज़्यादा होने वाला है। पे लेवल 6 तो होगा, 35 ईयर्स से कम आपकी एज होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर डिप्लोमा है आपके पास, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता और बेंगलुरु में आपकी यहाँ पर लोकेशन होने वाली है। यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसियन के लिए, तो यहाँ पर 9 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसी है एससी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, और 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 21,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। एज आपकी यहाँ पर 35 ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और गिरिधीह होने वाली है। ऑपरेटर कम मैकेनिक की यदि हम बात करते हैं, हमें 6 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी है एससी के लिए, 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। 21,000 से ज़्यादा सैलरी आपके यहाँ पर होने वाली है। 35 साल आपसे कम आपकी एज होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने 8th पास किया हुआ है, उसके साथ आपने ITI किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली आपकी कोलकाता में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक कैटेगरी है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, 21,000 से ज़्यादा सैलरी आपकी यहाँ पर होना चाहिए। कुक के लिए वैकेंसी है यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए, जिसमें 5 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 1 एससी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सभी क्राइटेरिया सेम रखा हुआ है। आपके पास लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट लेबोरेटरी की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें अगेन आपके पास साइंस की डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, है ना। रेपो फोटो के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, असिस्टेंट फर्म के लिए वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हमको फिल कर सकते हैं। यदि हम बात करेंगे कि डेट ऑफ ओपनिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से ओपनिंग होने वाली है इसके, मतलब हो चुकी है, ठीक है। और 23 जुलाई इसकी लास्ट डेट होने वाली है। आप टाइम देख सकते हैं कि 2 बजे तक का टाइम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यूजुअली सभी वेबसाइट पर आपको 5 बजे का टाइम देता है, यहाँ पर 2 बजे तक का है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इन सभी के लिए ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है, और उसका जो अनाउंस है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे देंगे, तो आपको इनको बार बार चेक करना है, ठीक है ना। और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जाकर लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है, और वहीं पर ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस करना है, ठीक है। सभी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट करें। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, इससे आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।